राजनीति, शिक्षा, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर खबर की स्पेशल खबर सिर्फ डीडी की स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है और ऐसे वाहन जिनके पास ये नंबर प्लेट नहीं होगी आरटीओ में इनका कोई भी काम नहीं किया जाएगा। 30 नवंबर 2020 तक समय दिया गया था जिसके बाद से 1 दिसंबर से ये लागू कर दिया गया है कि जिनके पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होगी या फिर ऐसे वाहन स्वामी जिन्होंने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया होगा उनका विभाग में कोई भी कार्य नहीं होगा। हालांकि ये बात कही जा रही है कि ऐसे वाहनों पर कोई जुर्माना या चालान नहीं किया जाएगा। 1 दिसंबर से वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जरूरी हो गए हैं। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से आरटीओ दफ्तर में गाड़ियों से जुड़े लगभग सभी काम रुक जाएंगे। शासन ने 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 नवंबर 2020 तक का समय दिया था। शासन से दी गई मियाद अब पूरी हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल व्यावसायिक वाहन स्वामियों के सामने आ खड़ी हुई है क्योंकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बगैर व्यावसायिक वाहनों के आवागमन में मुश्किल होगी। ट्रक, बस, छोटे सवारी वाहनों के लिए परमिट, मासिक टैक्स जमा नहीं होंगे। नए नंबर प्लेट के बगैर जो भी बंदिशें लागू होंगी उसका सीधा प्रभाव व्यावसायिक वाहनों पर होगा। 1 दिसंबर से ही आरटीओ दफ्तर में कई सारे कामों पर रोक लग गई है जिसमें परमिट पर रोक है, वाहनों का पता परिवर्तन, पुराने वाहनों की बिक्री, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहनों का ट्रांसफर, वाहनों का पंजीकरण, नवीनीकरण, ईएमआई वाले वाहनों का निस्तारण, मासिक टैक्स सहित कई काम अब आरटीओ में ऐसे वाहनों के नहीं होंगे जिनके पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं है या फिर उन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया है। इस नंबर प्लेट को पाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जहां वेबसाइट पर जाना होगा bookmyhsrp.com पर। इसके बाद वाहनों की पूरी सीरीज खुलेगी। इसमें 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, 4-व्हीलर भारी वाहन के विकल्प मिलेंगे जिनमें से किसी एक को चुनना होगा। आपकी गाड़ी जिस कंपनी की है उसका चयन करना होगा। इसकी पूरी लिस्ट होगी, जैसे मारुति, हुंडई या टाटा के विकल्प होंगे। गाड़ी की कंपनी का नाम चुनते ही आपसे राज्य पूछेगा, डीएल यानी दिल्ली और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फिर आपको प्राइवेट वाहन और कमर्शियल वाहन के दो विकल्प दिखाई देंगे। प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, सीएनजी और सीएनजी प्लस पेट्रोल के विकल्प मिलेंगे। इनमें से किसी एक को चूज करना होगा। इसके बाद आपसे गाड़ी की पूरी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे बीएस कौन सा है, रजिस्ट्रेशन तारीख, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, कार मालिक का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बिलिंग पता, शहर, अगर जीएसटी है तो वो भी। ये सब जानकारी अपलोड करने पर एक नई विंडो खुलेगी। इसमें गाड़ी की आरसी और आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। सारी जानकारी और कागजात अपलोड करने के बाद मोबाइल फोन पर ओटीपी जनरेट हो जाएगा और सबसे आखिरी में पेमेंट का विकल्प आएगा। पेमेंट करते ही ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और साथ ही आपको रिसिप्ट मिलेगी जिसमें आपको नंबर प्लेट मिलने की तारीख भी दी होगी।